सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि कंफर्म्ड है इंडिया में आने के लिए। उसमें से कुछ गाड़ियां ऐसी भी मैंने रखी है जो बेसिकली बुकिंग तो हो चुकी है बट डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है और अभी तक हमने रोडो पे नहीं देखी है। उसमें से सबसे पहले गाड़ी आती है TVS की IQ ST। इसकी बुकिंग तो स्टार्ट हो चुकी है बट डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है। सुनने को मिला है मार्च में इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी और ये अभी तक पेंडिंग ही है और इसको अभी तक अपकमिंग गाड़ियों में रखा जा रहा है बहुत सारी जगह पे। वेल, इस गाड़ी में अगर मैं कुछ हाईलाइटिंग चीज की बात करूं तो यस, यहाँ पे मिलता है BLDC मोटर जिसको हम हब मोटर बोलते हैं। 4.4 किलोवाट का मोटर दिया गया है, पीक पावर वाला। इसका जो कंटीन्यूअस पावर है दैट इज 3 किलोवाट। रेंज है 145 किलोमीटर विद अ सिंगल चार्ज। IP67 रेटेड मोटर है। चार्जिंग आउटलेट की बात करें तो यस, ऑलमोस्ट 1500 वाट से 950 वाट का ऑप्शन दिया गया। डिपेंड आपको कौन सा परचेस करना है और कौन सा वेरिएंट लेना है। वैसे तो इसमें आपको 1500 वाट वाला ही चार्जर मिलेगा और इसका कॉस्टिंग ऐड होता है। यहां पे आपको मिलता है 7 इंच का TFT स्क्रीन। कैब वेट की बात करें तो 128 kg। व्हील बेस की बात करें तो 1301 mm का देखने मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm और ऑल LED सेटअप दिया गया है। वैसे तो आपने जो TVS iQube S और बेस मॉडल तो देखा ही होगा मार्केट में, सेम उसी का ही स्वरूप दिया है बट थोड़ी चीजें अपडेट की गई है। डिस्क ब्रेक यहाँ पे फ्रंट में मिलता है, रियर में ड्रम ब्रेक। 220 mm का फ्रंट का है एंड 130 mm रियर ब्रेक सिस्टम दिया गया है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया गया है। 0-40 इन 4.2 सेकंड्स एंड टॉप स्पीड है 82 किलोमीटर पर आवर। और 12 इंच के व्हील्स दिए गए, 90x90 सेक्शन के टायर्स दिए गए। बैटरी 4.56 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी यूज की गई है बट ये NMC केमिस्ट्री के साथ है एज पर द FAQ जो कि आपको TVS की वेबसाइट में मिलता है। सेकंड इस लिस्ट में है दैट इज सुजुकी बगमैन इलेक्ट्रिक। वैसे तो इस गाड़ी को काफी जगह पर टेस्ट करते हुए देखा गया, इन बैंगलोर के रोडो पे काफी बार देखा गया, काफी बार रिपोर्टर्स के थ्रू पूछा भी गया कंपनी को बट कंपनी की तरफ से देयर इज नो रिप्लाई। बट रिसेंटली इन्होंने अपनी चुप्पी खत्म की और फाइनली उन्होंने बोला कि 2024 के स्टार्टिंग में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने मिलेगी सुजुकी की तरफ से जो कि बगमैन इलेक्ट्रिक जो वो टेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो इस गाड़ी के ज्यादा स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता बट आने के चांसेस है। प्राइस लगभग 1,30,000 के करीब करीब होगा। यहाँ पे कुछ हाइलाइटिंग चीजें जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा आपको चेन ड्राइव, मिड ड्राइव मोटर और जो फ्यूल वाला एरिया है जो बगमैन में आप देखते हैं वहाँ पे पूरा बैटरी सिस्टम यूज किया जाएगा और यहाँ पे काफी अच्छी आपको अंडर सीट स्टोरेज भी देखने मिलेगी। वैसे ये गाड़ी आती है तो पहली ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी जो मैक्सी स्टाइल में होगी और फुल प्रूफ गाड़ी होने वाली है क्योंकि बगमैन पेट्रोल जैसा ही इसका डिजाइन होने वाला है। यहाँ पे ऑल LED सेटअप होगा, मिड ड्राइव मोटर होगा। रेंज अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर विद ट्रू रेंज ऐसा सुनने को मिला है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में इसमें भी ड्रम ब्रेक यूज होगा। थर्ड इस लिस्ट में वो है होंडा की एक्टिवा EV। इसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, इसके बारे में इतने ज्यादा सुनने को मिल रहा है बट कंपनी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था जो कि इनके CEO और MD है अतुशी ओगाटा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मार्च 2024 तक इलेक्ट्रिक स्कूटर आने का चांसेस है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो एक्टिवा EV होगी बेसिकली सेम जो एक्टिवा है वही ढांचे पे होगी लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ होगी। इसमें फिक्स बैटरी होगी और इसकी जो टॉप स्पीड होगी 50-60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होगी। प्रोबेबली या तो मिड ड्राइव मोटर या तो आपको BLDC मोटर ये ऑप्शनल देखने को मिल सकता है कंपनी की तरफ से क्योंकि अगर TVS से देखा जाए तो यस, बड़ी बड़ी कंपनियां भी BLDC मोटर यूज कर रही है जिससे प्राइस को थोड़ा कम रखा जाए और सारी चीजों को क्वालिटी में प्रोवाइड किया जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो प्राइस होगा वो 1.30 लाख रुपीज हो सकता है, सेम प्लेटफॉर्म होगा एक्टिवा जैसा। फोर्थ इस लिस्ट में दैट इज गोगोरो। गोगोरो ने रिसेंटली अपनी एक स्वैपिंग टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं बैटरी स्वैपिंग सिस्टम जो कि सबसे ज्यादा फेमस है इन ताइवान, वो चीज अब इंडिया में टेस्ट कर भी लिया है। इवन जिप इलेक्ट्रिक के साथ इनका टाइप भी हुआ है जिनके साथ इन्होंने अपनी कुछ गाड़ियां शेयर भी किए जो ये बेसिकली B2B के लिए यूज करने वाले हैं बट कंपनी B2C के लिए भी आ रही है यानी बिजनेस टू कस्टमर के लिए भी अपनी ये व्हीकल लाने वाली है। अब ये कब तक आता है ये कंफर्म नहीं है बट ये जो व्हीकल है इस ईयर के एंड तक आने के, मोस्ट प्रोबेबली सुनने को मिला है कि गोगोरो की जो 2 सीरीज है वो आ सकती है जिसकी 170 किलोमीटर की रेंज है, स्वैपेबल बैटरी सिस्टम है, 2 बैटरी पैक लगती है, मोटर बहुत पावरफुल है 7000 वॉट का है और जो कि टॉर्क जनरेट करता है 196 न्यूटन मीटर का, 12 इंच के अलॉय व्हील्स है। प्राइस लगभग इसका भी अगेन 140 से 150 के बीच में होगा और ये गाड़ी मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत तक आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। फिफ्थ इस लिस्ट में है ऑब्वियसली हमारी सबसे फेमस ओला S1 Air। कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया, सारे डिटेल बता दिए बट अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है बट ये काफी सक्सेसफुल गाड़ी होने वाली है इंडियन मार्केट में, मोस्ट अवेटेड भी है बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट में गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक नेक्स्ट लेवल है। प्राइस स्टार्ट होता 85,000 से 110,000। यस, 2 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर एंड 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ 4.5 किलोवाट का हब मोटर दिया गया है। पीक पावर की बात कर रहा हूँ, 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 34 लीटर का बूट स्पेस, डुअल टोन कलर, 7 इंच का टच स्क्रीन और बहुत ही तगड़े तगड़े मोड्स एंड काफी तगड़े फीचर्स मिलते हैं। ये गाड़ी विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपको इंडियन रोडों पे देखने को मिल जाएगी। सिक्स्थ लिस्ट में है दैट इज एथर की चीपेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसको रिसेंटली
स्पाई किया गया, बट एक्चुअल में ये कब तक आएगी नहीं पता, क्योंकि कंपनी जब टेस्ट करती है तो कुछ समय बाद ही उस गाड़ी को लॉन्च करती है। वैसे जैसे हमने एथर 450 एक्स जेन 3 पे देखा था, टेस्ट करते हुए सिर्फ 3 महीने ही बीते थे और 4th महीने में उन्होंने जेन 3 लॉन्च कर दी। कंपनी की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर को टेस्ट करते हुए कुछ लोगों ने स्पाई किया गया, तो उसके कुछ इमेजेस आपको रशलैंड के वेबसाइट पे मिल जाएगा एंड वही चीज मैं आपको शोकेस भी कर देता हूँ। सुनने को मिल रहा है कि इसका जो प्राइस होगा 1 लाख के अंदर होगा, मोस्ट प्रोबेबली हब मोटर हो सकता है ऐसा सुनने को मिला है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अगर प्राइस को कट डाउन करने के लिए जो हब मोटर का यूज कर रही है, तो प्रोबेबली कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है एथर की तरफ से जो सस्ती होने वाली है उसमें भी प्रोबेबली हब मोटर देखने को मिल सकता है, जिससे कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, साथ में जो रेंज है वो 85 से 90 के बीच में होने वाला है। लेट्स सी कब तक आती है, सुनने को मिला है कि 4 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस गाड़ी को आने में। और सबसे लास्ट है सिंपल वन, यस ये गाड़ी को आए हुए 1 साल हो चुके हैं, इसकी डिलीवरी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, बट सबसे ज्यादा डिमांडिंग भी है। कंपनी बोल रही है 200 किलोमीटर का रेंज होगी, बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन है, टच स्क्रीन देखने को मिलता है, मिड ड्राइव मोटर है, बेल्ट ड्राइव के साथ चलती है, फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक दिया गया, काफी अच्छी स्टोरेज दिया गया, इवन बैटरी पैक्स में आप एक फिक्स एक रिमूवेबल बैटरी मिलती है, और ये गाड़ी आपको विद इन 1 मंथ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी रोडों पे। तो यही कुछ गाड़ियां थी अपकमिंग में, एंड बहुत सारी और भी गाड़ियां जो अपकमिंग है उसमें से कुछ की कंफर्मेशन अभी आपको देखने को मिल जाएंगे विद इन दिस वीक। तो ये सीरीज को अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में जो कि अपकमिंग होने वाली है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।